और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में गूगल को बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो वो MSG वगैरह वगैरह में सर्च होता रहता है, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग सर्च कैसे करें, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल को ही सर्च कैसे रखें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन कर दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह का आइकन जब आप सर्च बार में आते हैं स्टार्टिंग, और यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई देगा। आप इस बटन पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखो एक ऐड बटन दिखाई दे रहा है, आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। और आपने जब ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे गूगल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है, ऐड पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे मैनेज ऐड वंस पे क्लिक करें। सेटिंग में जाकर के आपको मैनेज ऐड वंस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सर्च प्रोवाइडर पर क्लिक करके, जो यहाँ पे गूगल है इसको क्लिक करके, यहाँ पे सीधा सा सेटअप डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आप सेटअप डिफ़ॉल्ट पर करके क्लोज कर देते हैं, अब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के सर्च बार में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए कुछ भी जो आपके अच्छा लगे। जैसे मैंने ABCD लिख दिया और मैंने सर्च कर दिया, तो अब आप देख रहे हैं पास में ये गूगल का आइकन आ गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो सर्च हो रहा है वो गूगल के अकॉर्डिंग हो रहा है, नथिंग MSG के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से हम एक गूगल को बाय डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसे आसानी से देख सकें।